हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल नारायण ठाकुर, फैकल्टी ऑफ रीजिंग, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एबीपीएस आरआरबी प्योर प्रीलिम्स 2019 मेमोरी बेस्ड पेपर टू, जी हाँ पेपर वन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, पेपर टू मैं आप लोग के पास लेके आ रहा हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि एबीपीएस आरआरबी 2019 में 8 से 10 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो जितने मेमोरी बेस्ड हमारे पास बने थे मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डिलीवर हो सके, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में एक तरह से समझ लीजिए स्ट्रैटेजी होती है एक, कि हम जब तक लास्ट ईयर का जब तक मेमोरी बेस्ड जब तक पेपर नहीं देखेंगे, इस बार हमें समझ में नहीं आएगा कि पेपर कैसा आने वाला है, हम कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा आपका, पार्ट वन है, पार्ट टू भी हम बहुत जल्द लेके आपके पास आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि जब जब तक आप मेमोरी बेस्ड को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप एग्जाम का स्ट्रेटजी है, कट ऑफ है, कैसे आप पता कर पाएंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और सबसे पहले देखते हैं 8% है PQRST UWV आर सिटिंग इन अ रो हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सारे के सारे एक रो में बैठे हुए हैं, एक ही रो में। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग नॉर्थ में हैं, कुछ लोग साउथ में हैं। तो हमें पता चल गया कि सिंगल रो वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सिंगल रो के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से रो ड्रॉ कर लिए हमने यहाँ पे। अच्छा सा इसलिए क्योंकि कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो मुझसे भी हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। और इसमें 8% को बैठाना है हमें, 4, 5, 6, 7 और 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इस तरह जब सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया टेबल, और उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ करने के बाद देखेंगे इन्फॉर्मेशन। देखिए जब भी जहां भी आपको इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाई दे, तभी आप स्टार्ट कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। तो एक बार पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन, हमें एक ना एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, हु इज नॉट ए नाइबर ऑफ पी, नहीं पता हमें। V sits second to the right of R. V जो है R के right में second है. Immediate neighbor of S face same direction. S face opposite direction of W. Immediate neighbor of face opposite direction. T faces north. ये इतना से हमें सिर्फ इतना पता चला पढ़ने के बाद T तक कि T north की तरफ face करेगा, but कहाँ से कौन रहेगा ये कुछ भी पता नहीं चला। Q sits third to the left of P, who sits at one of the extreme ends. चलिए अब एक हमें पता चल गया, पी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो पी को हमने एक यहाँ पे ले लिया पॉसिबिलिटीज, और पी को हमने यहाँ पे ले लिया, और क्यू है पी के सेकंड में लेफ्ट पे बैठता है। तो अगर यहाँ पे आप पी को लेंगे तो यहाँ पे साउथ में देना होगा, तभी क्यू आ पाएगा इसके सेकंड लेफ्ट में। थर्ड लेफ्ट में, तो क्यू को आपको यहाँ पे देना होगा, और अगर पी को यहाँ पे दे दिया आपने तो इसे नॉर्थ में देना होगा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्यू को यहाँ पे आपने लेना है बस। अब एक चीज बात है कि जब जब भी इन्फॉर्मेशन को सॉल्व कीजिए तो आप देख लीजिए कि पी और क्यू के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हो, क्योंकि पी की एक और क्यू की बस दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकता। वो हम एक बार और देख लेंगे। एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब कि क्या एस यहाँ पे नहीं बैठेगा और एस यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब क्यू के बारे में, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये हो गया। एस सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब मान के चलिए एक इन्फॉर्मेशन अभी हमें और पता चल रहा है, अगर आपने क्यू को यहाँ पे लिया है और क्यू को अगर आपने साउथ पे, अगर साउथ की तरफ मूव करेंगे तभी एस यहाँ पे आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे क्यू लेंगे और हम अगर इसको नॉर्थ की तरफ क्यू को फेस करवाएंगे तो एस यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए वो ख़त्म। एस को हम इस साउथ में हमें लेना पड़ेगा क्यू को, तभी एस यहाँ पे आएगा। और उसके बाद यहाँ पे तो एस नहीं आ सकता, यहाँ पे भी हमें इसको क्यू को नॉर्थ में लेना होगा, और क्यू को नॉर्थ में लेकर के हमने एस को यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू को साउथ में नहीं ले सकते, नहीं तो पी के समीप आ जाएगा क्यू। अब तीन चीज आ गए हमारे पास, एस क्यू पी। अब एस क्यू पी में देखिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एस इज नॉट नैरो पी, वो हो गया। वी फेसेस सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, 3% सिट्स बिटवीन यू एंड आर, नहीं दिया हुआ है। अब एक चीज कहता है कि एस, एक चीज और इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि डब्ल्यू का एक, डब्ल्यू का दो
और W का 3, W 3 बार रिपीट हो रहा है, तो W के बारे में हम इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। W के बारे में क्या कहता है, यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W हु इज नॉट ए नाइबर ऑफ P। W यहाँ भी नहीं हो सकता, W यहाँ भी नहीं हो सकता, तो चलिए W को एक जगह हम रख करके देखेंगे। अब W को हम कहाँ पे रख सकते हैं, मान के चलिए W को एक चीज यहाँ पे, अगर हमने W को रखा और W को नॉर्थ के तरफ फेस करेंगे तब U इमीडिएट नाइबर W का हो पाएगा। तो U को यहाँ पे हमने रख लिया, या फिर W को यहाँ पे लेकर के चलिए और W को साउथ कर दीजिए तब U इसका इमीडिएट नाइबर होगा। हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर दिया। नेक्स्ट, वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, चलिए इमीडिएट नाइबर एस फेस सेम डायरेक्शन, एस फेस इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, एक चीज मिल गया। अगर आपने डब्ल्यू को यहाँ पे नॉर्थ पे दिया है तो एस को आप साउथ में दे दीजिए, अगर डब्ल्यू यहाँ पे साउथ में है तो एस को आप नॉर्थ में दे दीजिए, बस ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब इमीडिएट नाइबर आप फेस अपोजिट डायरेक्शन, आर बैठा है कहीं पे, नहीं बैठा है। अब आर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, R के राइट में V सेकेंड है। अगर आप R यहाँ पे लेते हैं, R मान के चलिए R को हमने यहाँ पे ले लिया और R को घुमा दिया नॉर्थ के तरफ, तभी V आ पाएगा यहाँ पे, तभी V आ पाएगा यहाँ पे, ये W नहीं, W इसको काट दीजिए, हाँ V यहाँ पे तभी आ पाया। या फिर अगर आपने मान के चलिए हमने क्या कहता है, वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर को यहाँ पे ले लिया आपने और आर को आपने नॉर्थ दिशा में दे दिया, तब भी यहाँ पे, तब यहाँ पे वी आ पाएगा। अब एक चीज कहता है एस के बारे में, एस फेसेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, ये हो गया इमीडिएट नाइबर आर फेस अपोजिट डायरेक्शन। अगर R को यहाँ पे ले लिया है तो इसके नाइबर है अपोजिट डायरेक्शन, तो Q यहाँ पे बैठा है, Q क्या देख रहा है, साउथ की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी बैठेगा वो नॉर्थ की तरफ देखेगा, जो भी बैठेगा यहाँ पे नॉर्थ पे बैठेगा। और एक चीज और कहता है कि T फेसेस नॉर्थ, तो T बस एक ही बचा, तो T हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे एक ही बचा T, तो T हमने यहाँ पे डाल दिया। अब एक चीज और था कि आर का, आर के तरफ जो भी बैठेगा, आर का अपोज, आर के अड़ोसी पड़ोसी वो अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे, बट एस भी नॉर्थ देख रहा है, क्यू भी नॉर्थ देख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज गलत हो गई। अब इसी पॉसिबिलिटीज को हम लेकर के चेक करेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। क्यू सिट्स छठ ए पी हुज, अब वी फेस सेम डायरेक्शन एस डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू नॉर्थ के तरफ फेस कर रहा है तो वी भी नॉर्थ के तरफ फेस करेगा, हमने यहाँ पे ले लिया। थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड आर, यू यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, तो यू और आर के बीच में 3% हमने ले लिया कि यू यहाँ पे आ गया ना, ए क्यू वी एस, ये हो गया। अब यू का डायरेक्शन हमें डिफाइन करना है, तो यू के डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए एस के बारे में, एस इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पी, एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एक चीज एस फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, इमीडिएट नाइबर एफ फेस सेम डायरेक्शन, एस के जो नाइबर्स है वो सेम डायरेक्शन। अगर एस का ये डायरेक्शन डिसाइड हो गया कि वी नॉर्थ में दिख रहा है, दैट मीन्स कि यू भी नॉर्थ में ही देखेगा, तो ये आपका बन गया सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये पॉसिबिलिटीज गलत हो गई पर ये पॉसिबिलिटीज सही होगी। एक बार डिफाइन कर लिए, पी जो है वो नॉर्थ साउथ में बैठेगा, टी नॉर्थ में बैठेगा, आर नॉर्थ में, क्यू साउथ में, वी नॉर्थ में, एस 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 साउथ में, यू नॉर्थ में, डब्ल्यू नॉर्थ में। चलिए अब इसी पे आधारित 5 क्वेश्चन हैं, इसका स्नैपशॉट आप ले लीजिए और 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यहीं पे YouTube कमेंट बॉक्स पे आप आंसर लिखिए इसको, क्योंकि जब तक आप आंसर करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए सब हर चीज़ को समझना होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन को समझना होगा, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और आंसर कर दीजिए, आंसर करेंगे तब आंसर करेंगे, YouTube कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का ओल्ड पैटर्न का। इसका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने के लिए बहुत इजी तरीका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर विच, विच और विच मिल गया हमें, दो चीज यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर ओ के आई, तो के आई के आई हमें मिल रहा है, तो विच का कोड क्या हो जाएगा, के आई। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो कलर का कोड आर ओ हो जाएगा, तो कलर का कोड यहाँ पे लिख लीजिए, कलर का आर ओ। ऑफ द फॉलोविंग, तो ऑफ द फॉलोविंग किस में, फॉलोविंग फॉलोविंग हमें मिल गया, तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा मिलेगा हमें, एल ए और एल ए मिल गया, तो फॉलोविंग का कोड क्या हो जाएगा, एल ए।
दो का कोड फर्स्ट और लास्ट में दो का कोड है, तो दो का कोड क्या हो जाएगा, PESONE, तो SO हो गया दो का कोड, दो का कोड हो गया SO, SO हो गया दो का कोड। तो ऑफ का कोड बस एक ही बचा FA, तो ऑफ का कोड हो क्या हो जाएगा FA, हमने लिख लिया। पांच कोड हमें निकल गए, दो अब दो ऊपर के सेंटेंस से, फॉलोबिंग रेड अनलेस, फॉलोबिंग का भी कोड निकल चुका है, रेड और अनलेस, अनलेस यहाँ भी है, अनलेस यहाँ भी है, दो चीज ऐसा होगा कि सेम ही होगा, तो PE और PE हमें सेम ही नजर आ रहा है, तो अनलेस का कोड क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। रेड का कोड एक ही जगह होगा, जब हमें LAPE ले चुके हैं तो JO, तो JO हो गया रेड का कोड। अब व्हाइट का कोड एक बचा, तो व्हाइट का कोड क्या होगा, NE, क्योंकि NE एक ही जगह है, NE ही तो है ना, NE, हाँ NE, तो व्हाइट का कोड हो गया NE। तो देख लीजिए कोड हमें मिल गया है, विच का कोड KI, ऑफ का कोड FA, द का कोड SO, फॉलोविंग का कोड LA, उसके बाद कलर का कोड RO, रेड का कोड JO, अनलेस का कोड PE, व्हाइट का कोड NE, बस हमें आ गया है पूरा। तो इसी पे आधारित पांच क्वेश्चन हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 15, 8% PQRST UV एंड W वर्क इन डिफरेंट मंथ्स वाया जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल। चार डिफरेंट मंथ में बॉर्न होते हैं, आठ फ्रेंड हैं, ईच ऑफ देम बॉर्न ऑन द टू डिफरेंट डेट्स 15 एंड 28। बहुत इंपॉर्टेंट पजल है इस तरह के, बहुत बार एग्जाम है, SBI में भी आया, IBPS में है। तो इस तरह के पजल को सॉल्व करने में मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले जब भी हम बेस लेंगे, जैसे जनवरी ले लिया, मंथ को बेस लेंगे, फरवरी ले लिया, मार्च ले लिया और अप्रैल ले लिया, चार ले लिया हमने। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट ले लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बार बार बताता हूँ, ऐसे 15th लिख दीजिए, यहाँ पे 28th लिख लीजिए, सेम इसी तरह सबसे यहाँ पे 15th लिख दीजिए या यहाँ पे 28th लिख दीजिए, और यहाँ पे ही 8% का बॉर्न होगा। हमने स्पेस यहाँ पे डिफाइन कर दिया, स्पेस डिफाइन कर दीजिए कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, स्पेस हम डिफाइन कर देंगे, इन्फॉर्मेशन पुट करना स्टार्ट कर दिए, जहां भी पॉजिटिव दिखे उसके बाद पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटीज हमने ले लिया 15 और 28 का, दो दो लेफ्ट राइट दोनों में। अब कहता है वी वाज बोर्न इन मंथ हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ डेज, तो वी लिस्ट नंबर ऑफ डेज, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबको पता है, फरवरी कम दिन का होता है, तो फरवरी में हमने 15 में वी को वर्ण कर दिया और यहाँ पे फरवरी में 28 को वी को वर्ण, दो ही चीज हो सकता है वी के बारे में। अब 3% वर्ण बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के बीच में 3% है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम जनवरी के तरफ जाएंगे, अगर आपने 15 यहाँ पे लिया है और इधर आप मूव करते हैं जनवरी के तरफ, तो दो ही है तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो इधर ही मूव करना होगा हमें, एक 28, एक हो गया 15 फिर 28, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, ये तो वी होगा ना, ये वी होगा, वी हमें 15 15 बार बार रट रहा था, वी, तो वी हो गया। अब वी और यू के बीच में 3% है, तो 1 2 3, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखें क्योंकि इससे पहले नहीं जा सकता। अब ये, अब एक चीज ये भी बात है इसमें, अगर इस यहाँ में अगर 28 फरवरी को लिया है तो उससे पहले भी नहीं हो सकता, 3% होना चाहिए, तो तीन बीच में तीन होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं जा सकता, इसलिए 1 2 3, तो मान के चले 3% बीच में, अगर 28 फरवरी को हुआ तो 2 मार्च का 1 3, यू यहाँ पे हो जाएगा, दो चीज हो गई। अब एस वॉज बॉर्न बिफोर यू बट नॉट इन द सेम मंथ, एस यू से पहले, एस वॉज बॉर्न बिफोर वी, सॉरी वी, वी से पहले एस बॉर्न होता है बट सेम मंथ में नहीं होता है, तो एस के लिए दो स्पेस है, या तो 15 या फिर 28, तो हमने यहाँ पे 28 वाले को ले लिया और यहाँ पे 15 वाले को ले लिया, बस। नेक्स्ट 5% बॉर्न बिटवीन क्यू एंड आर, हु वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, आर क्यू से पहले बॉर्न होता है, इसमें इस वाले इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है कि एस को किस प्रकार से हम ये करेंगे। अब ध्यान रहे आपको, एस को यहाँ पे 15 वाले में डाल दीजिए, इसमें 28 वाले में, चलिए इसको लेकर के एस को, हाँ 15, अब उसमें, सॉरी उसमें कहता है कि एस और क्यू के बीच में 5% बॉर्न है और आर जो है वो, क्यू जो है वो आर से पहले, 5% बॉर्न बिटवीन क्यू एंड आर, हु वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू, आर जो है वह क्यू के बाद, अगर क्यू को आपने यहाँ पे ले लिया,
तभी 5% हो पाएंगे, 1 2 3 4 5, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा ये। अगर आपने क्यू को यहाँ पे 15 ले लिया, 15 में क्यू को जनवरी में, तो आर के एक एक हो गया, 2 3 4 5 यहाँ नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ये नहीं, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है आर को आपने यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट में कहता है टी वॉज बॉर्न बिफोर डब्ल्यू एंड बोथ ऑफ देन बॉर्न इन द सेम डेट, टी और डब्ल्यू सेम ही डेट में हो गए, तो टी यहाँ पे हो जाएगा और डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। टी वॉज बॉर्न बिफोर डब्ल्यू और यहाँ पे हो गया टी और डब्ल्यू यहाँ पे हो गया, टी वॉज बॉर्न बिफोर डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू सेम डेट। पी वॉज नॉट बॉर्न ऑन द इवेंट नंबर मंथ, पी जो है अब पी ही के लिए रास्ता बचा, तो पी यहाँ पे हो सकता है, बट पी के लिए कह दिया है कि इवन नंबर मंथ में नहीं होगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा पॉसिबिलिटीज, और पी ये आ गया ओड नंबर, ओड में 15 ओड नंबर है, तो ये पी आ जाएगा, तो ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। अब जनवरी फरवरी ये पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटीज गलत हो गई, लास्ट में हमें पता चला कि ये गलत हो गया। देखिए एग्जाम में ऐसे ही पता चलता है लास्ट टाइम में, और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी सही हो गया, तो ये हो गया आपका, हो गया पजल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इसी पे है, आपको इसका आंसर देना है, आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा, चाहे आप खुद से सॉल्व एक बार पजल को कीजिए तब बनाए, या फिर मेरा ही पहले उस पहले खुद से सॉल्व कीजिए फिर आंसर दीजिए, तब मेरा क्वेश्चन देखिए कि मतलब आंसर क्या निकला। नेक्स्ट 1619 में है इनक्वालिटी का, काफी इजी क्वेश्चन से इनक्वालिटी का होता है। अब जैसे ई और ओ में रिलेशन हमें करना है, तो हमें डी कॉमन पता चल रहा है ना, यहाँ पे लिख दिया डी इक्वल टू एम, एम इज ग्रेटर देन ओ, और ये क्या है डी ई इज ग्रेटर देन डी, ये हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो ई और ओ में क्या रिलेशन हो जाएगा आप समझ के चलिए, ओ और ई, तो ओ ई से बड़ा, ये सही हो गया। दूसरा ए और डी, ए और डी में ए यहाँ पे है डायरेक्ट हो जाएगा, डी यहाँ पे है तो ए डी से बड़ा होगा, तो ये कट गया, क्योंकि ये ना बड़ा है या बड़ी बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ओ वाई, ओ यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, तो ये सही है। एक्स पी, एक्स यहाँ पे है पी यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इनक्वालिटी पी एस, तो पी और एस, तो क्यू इससे रिलेशन करना होगा हमें, तो क्यू इज लेस देन आर इज ग्रेटर देन एस, और क्यू इज ग्रेटर देन पी, ये हमने रिलेशन कर लिया। अब पी और एस, पी और एस में रिलेशन नहीं बनेगा, तो गलत हो जाएगा। अब फी और पी एस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जब भी हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम दिखे, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब भी हमें सेम दिखे, तो इनक्वालिटी में तीन ही चीज़ हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या फिर बराबर हो सकता है, तीन ही चीज़ हो सकते हैं ना। और तीन ही चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी इज लेस देन एस, पी इज ग्रेटर देन एस, और पी इज बराबर देन एस, तो ये आइदर और का केस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट जेड क्यू, जेड यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, रिलेशन किससे बना हमारा बनेगा, ए से बनेगा यहाँ पे, तो चलिए हम ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्यू, और ए जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो क्या है जेड और क्यू में हमें रिलेशन करना है, तो जेड या तो क्यू से बड़ा होगा या जेड बराबर होगा क्यू के, और दोनों चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आइदर और का केस लग जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू के इज लेस देन टी इक्वल टू क्यू इज डेफिनेटली ट्रू, तो चलिए क्यू और के में, तो के इज लेस देन क्यू, और यहाँ पे दिया हुआ है क्यू इज लेस देन के, तो ये गलत हो गया ना। एम टी, एम यहाँ पे है टी यहाँ पे है, रिलेशन नहीं बनेगा क्रॉस, क्योंकि ये साइन दिया हुआ उल्टा, ये ग्रेटर देन लेस देन रिलेशन। के और क्यू, के इज लेस देन क्यू, ये होगा, तो ये आंसर हो जाए आपका। आप पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, टी और एम, टी एम ये भी रिलेशन नहीं बनेगा, एम क्यू, एम यहाँ पे है क्यू, ये भी रिलेशन बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो जी हाँ, ये सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं आप,
कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को जितना से जितना आपके पास फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। और जो भी फीडबैक आए आप हमें hi@lightnote.in पर भेज सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं आपको कौन से क्लास की नीड्स है, रीजनिंग में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, मैथ मैथ में या फिर हिंदी में या फिर जीए में। हम कोई भी सजेशन हो आप हमें जरूर मेल कीजिए या फिर कोई डाउट्स भी हो। तो ये था पार्ट वन, आज आपको मैंने बताया पार्ट वन, वो भी सॉल्यूशन टू का। पेपर वन पहले हमने करवा दिया है, पेपर टू का सॉल्यूशन आज हमने करवाया दिया है जिसका पार्ट वन। पार्ट टू हम बहुत जल्द लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और लाइट मोड को यूं ही फॉलो कीजिए। जो भी सजेशन है, फीडबैक है, हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS RRB एज वेल एज सारे जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय।